हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप के अंतर्गत लेयर को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, कि आप लेयर कैसे इसमें क्रिएट कर सकते हो, लेयर का क्या काम होता है, ये सारी जो नॉलेज हम लोग क्या करेंगे आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको कि आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप में लेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लेयर क्या होती हैं। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फोटोशॉप को। तो स्टूडेंट्स, फोटोशॉप को स्टार्ट करने के लिए विंडोज बटन को दबा के आर बटन को प्रेस करते हैं। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे इस तरीके से रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें आप सही सही क्या करोगे, यहाँ से फोटोशॉप क्या करोगे, पुट करोगे। तो मैंने यहाँ पे फोटोशॉप यहाँ पे क्या किया, टाइप किया कुछ इस तरीके से, आप ध्यान से देखो। और इसके बाद इस ओके वाली बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही ओके वाली बटन पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो यहाँ पे फोटोशॉप इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। सो फोटोशॉप स्टार्ट हो चुका है। ध्यान से देखो, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था स्टूडेंट कि यदि कभी भी फोटोशॉप का यूजर इंटरफेस सही न खुले तो आप विंडोज में जाओ यहाँ पे, ठीक है, और वर्क स्पेस में जाओ, रीसेट पैलेट लोकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। सो मैंने अभी इस पे क्लिक किया। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जितनी भी फोटोशॉप में चीजें ओपन होनी चाहिए वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको क्या हो रही हैं, दिख रही हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या पढ़ना है आज हमें, आज हम लोगों को स्टूडेंट्स पढ़ना है यहाँ पे लेयर के बारे में। तो लेयर क्या होती है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। तो लेयर का मतलब स्टूडेंट्स कि यदि आप फोटोशॉप में कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार करते हो तो क्या बनेगा, उनकी एक लेयर बनती है। लेयर कहाँ दिखाती है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये देखो लेयर विंडो है यहाँ पे, इसी की जगह पे आपको क्या होंगी, लेयर दिखाई देंगी आपको। कैसे लेयर दिखाई देंगी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या करो, फाइल में जाओ यहाँ पे और न्यू नाम की इस ऑप्शन पे क्लिक करके स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ऐसे, और इसमें जाके आप क्या करिए, कोई भी फाइल का यहाँ से एक आप फाइल की साइज चूज कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। मैंने इसको लिया और ओके वाली बटन पे क्लिक कर दिया मैंने। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इस तरह का आपको फोटो बना अभी। स्टूडेंट ध्यान से देखो, यहाँ पे ये बैकग्राउंड है अभी आपका, देख रहे हो कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, लेयर के बारे में जानना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो बता दो, एक लेयर बनाने की शॉर्टकट क्या होती हैं। तो कभी भी स्टूडेंट्स आपको अगर लेयर बनानी है तो लेयर बनाने के लिए जो शॉर्टकट होती हैं वो होती हैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ, यहाँ पे अगर प्रेस करते हो शिफ्ट बटन को कुछ इस तरीके से, साथ में क्या दबाओगे, यन, ठीक है, क्या दबाना है आपको, यन। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या होती हैं यहाँ पे, यन से क्या बनेंगी आपके यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट यन से बनती हैं आपके यहाँ पे न्यू लेयर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, अभी मुझे इसको प्रेस करना है और यहाँ पे एक लेयर बना के मुझे देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, प्रेस करता हूँ, अभी मैंने दबाया यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्लस यहाँ पे यन, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है। अभी मैंने यन प्रेस किया, ठीक है, तो क्या आया है यहाँ पे मैसेज, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, न्यू लेयर ना, यहाँ पे लेयर का नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं देना है तो ओके वाली बटन पे क्लिक कर दो। तो ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, मैंने क्लिक किया अभी यहाँ पे, अब ध्यान से देखो क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे देखो अभी एक न्यू लेयर बन गया कि नहीं, लेयर वन यहाँ पे। तो इस लेयर को बनाते क्यों है स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी ध्यान से देखो, इस तरीके से भी लेयर क्रिएट किया जा सकता है स्टूडेंट्स यहाँ से, या फिर आप अगर एक लेयर बनाना ही चाहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो और भी तरीके हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दूसरा तरीका स्टूडेंट होता है, आप यहाँ पे लेयर में जाओ यहाँ पे, ध्यान से देखो, और इसमें न्यू नाम के इस ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पे ध्यान से देखो लेयर दिया है, इस शिफ्ट यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल प्लस यन मैंने बताया था अभी शॉर्टकट इसका, इसी पे क्लिक कर दोगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो सेम वही चीज आ जाएगी यहाँ पे, न्यू लेयर के लिए ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक करते स्टूडेंट लेयर नंबर टू बन जाएगी। ध्यान से देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ, अभी देखो मैंने ये बनाया था पहले शॉर्टकट तरीके से और ये बनाया है मैंने अभी मेनू पे क्लिक करके, तो ये बना लेयर वन और दूसरा बन गया लेयर टू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लेयर बनाते क्यों है स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको देखिए आप यहाँ पे, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कि मैंने यहाँ पे कोई भी टूल इसमें से सेलेक्ट कर लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गोले वाला टूल ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इसे ऐसे सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे इस तरीके से अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो अगर मैं इसमें कोई भी कलर भरूंगा, ठीक है, ध्यान से देखो पहले लेयर कौन सी सिलेक्टेड है यहाँ पे, ध्यान से देखिए लेयर टू सिलेक्टेड है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे कोई कलर इसमें भर देता हूँ। तो कोई भी कलर भरने के लिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं ना। तो जो भी कलर हमें बनाना है हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे और ऑल्ट बैक द्वारा मैं इसमें कलर भर देता हूँ। किसको दबाऊंगा, ऑल्ट बैक स्पेस को क्या करूंगा, प्रेस कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो कलर क्या हो जाएगा मेरा, इसमें भर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कलर नहीं फिल हो रहे हैं, यहाँ पे जाऊंगा ब्रैकेट को उठा के क्लिक करता हूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ आपका, यहाँ पे भर गया कि नहीं भर गया कलर यहाँ पे। ये जो पेंट ब्रैकेट है इससे आप कलर को यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको क्लिक कर लो और इसके बाद यहाँ पे जो भी कलर आपको चूज करना है वो कलर आप यहाँ से बना लो यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ओके वाले बटन पे क्लिक करके ये ब्रैकेट ले जाके इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे कलर भर जाएगा। सो स्टूडेंट ध्यान से देखो अभी ये क्या है आपका, सेलेक्ट है ना, सेलेक्ट तो है, आपको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे सिलेक्शन आपको यहाँ पे बता रहा है, अगर सिलेक्शन हटाना है तो क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस क्या डी, कंट्रोल डी से क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डी सिलेक्शन होता है ना। ध्यान से देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस यहाँ पे क्या डी से क्या हो जाता है, डी सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज सेलेक्ट है तो क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखो मैंने तो डी सेलेक्ट किया नहीं, फिर भी जब ये लिखने के लिए मैंने क्लिक किया तो अभी ये क्या हो गया, डी सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। अभी तो क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो गोला आपने बनाया है देखो ये मूव कर रहा है, कहीं भी उठा के रख पा रहे हैं। पता है क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि आपने इनकी क्या बनाई है, लेयर बनाई है, देखो लेयर टू पे है, इसके वजह से ये क्या हो रहा है, यहाँ वहाँ कहीं भी ट्रांसफर हो जा रहा है स्टूडेंट्स। यदि मैं इसकी लेयर नहीं बनाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट ये कहाँ बना बन जाएगा, यहाँ पे बैकग्राउंड पे बन जाएगा और बिना लेयर होने की वजह से इस गोले को हम कहीं भी मूव नहीं कर पाएंगे, न तो हम इसको साइज इसकी घटा बढ़ा पाएंगे। देखो कंट्रोल टी करके मैंने इसकी साइज को भी क्या कर सकता हूँ, घटा बढ़ा सकता हूँ ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके थोड़ा सा आइए देखते हैं, बिना लेयर पे अगर कोई रखेंगे किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट तो क्या होता है उससे। सो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसे कट किया और नो पे क्लिक किया, इस तरीके से फाइल में गए, न्यू पे गए और यहाँ से कोई भी एक साइज वाला अपना क्या किए, एक फोटो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक साइज वाला पेज यहाँ से इंसर्ट कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेज लिया स्टूडेंट्स, मैं इस पर कोई लेयर नहीं बनाता हूँ, ध्यान से देखो केवल बैकग्राउंड है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल इस बार ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अभी ध्यान से देखो ये रेक्टेंगल मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया है और मैं इसमें कोई भी कलर अभी भर देता हूँ। तो कलर भरने का तरीका क्या है, बाल्टी को उठाऊंगा यहाँ से ब्रैकेट को और जो कलर यहाँ से लेना है ले लूंगा यहाँ से सेलेक्ट करके ऐसे, ठीक है। और सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से और ओके वाली बटन पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर दूंगा स्टूडेंट, हो गया सेलेक्ट। डी सेलेक्ट करना है इसको, ध्यान दीजिए इसको हटाना है ना सिलेक्शन को, तो कंट्रोल कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे, डी, तो देखो हट जाएगा, हट गया कि नहीं हट गया अभी, अच्छा हट गया स्टूडेंट है। तो अभी देखो ध्यान से क्या करना है, अभी जब ये हट गया है तो मुझे इसे मूव करना है इसको, तो देखो ध्यान से देखो मूव करने के लिए अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे मैसेज दे रहा है कि कुड नॉट बी कम्प्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। वही ऐसा क्यों स्टूडेंट बताइए, ऐसा इसलिए स्टूडेंट क्योंकि देखो ध्यान से आपने यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई लेयर आपने क्रिएट नहीं किया था, इसी की वजह से आप इसे मूव नहीं कर पा रहे हैं और ये बैकग्राउंड के ऊपर ही बन गया है। तो अगर लेयर होती तो बैकग्राउंड के ऊपर वहाँ पे दिखाती ना कि एक लेयर है, नहीं होने की वजह से ये मूव नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इसे तो अब मूव नहीं कर सकते हो, लेकिन यदि आप दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे अभी बनाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि दूसरा रेक्टेंगल बनाओ और यहीं पे कंट्रोल शिफ्ट एन बटन को प्रेस करके क्लियर को यहाँ पे क्या करो, क्रिएट कर दो ऐसे। तो मैंने लेयर ध्यान से देखो यहाँ पे क्लियर को इंसर्ट कर दिया है, जैसे ही ओके वाली बटन पे क्लिक करूंगा एक लेयर बन जाएगी यहाँ पे और ध्यान से देखो लेयर नंबर क्या बनी इसका, 1। अगर अब मैं इसमें कलर कोई भी पुट करूंगा स्टूडेंट इस तरीके से, ध्यान से देखो मान लो पेंट बैकेट को उठाया अभी और क्लिक कर दिया इसको, ठीक है। और इसके सिलेक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डी बटन को दबा देंगे, तो कंट्रोल डी करते ही देखो सिलेक्शन यहाँ से हट गया। ओके अब ध्यान से देखिए ऊपर देखो स्टूडेंट ये कौन सा टूल है आपका, मूव टूल है, इस पे क्लिक कर दीजिए ऐसे। ओके अब ध्यान से देखो इसको उठाओगे तो क्या आ रहा मैसेज, कुड नॉट कम्प्लीट
कुड नॉट कम्प्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द लेयर इज क्या लॉक, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान तो देखो, यदि मुझे इसको उठाना है तो ध्यान तो देखो ऑटोमेटिकली ये क्या हो रहा है, आपका मूव हो रहा है कि नहीं, जहां मर्जी उठा के आप इसे रख रहे हो। रीजन क्या है बोलिए, रीजन ये है स्टूडेंट कि आपने इसे लेयर पे बनाया है ना, इसके वजह से आप क्या कर पा रहे हो, इस रेक्टेंगल को कहीं भी आप मूव करा पा रहे हो। तो क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, आप लेयर जब क्रिएट कर दोगे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट को इजीली आप अपने पेज पे किसी भी जगह पे क्या कर सकते हो, किसी भी पोजीशन पे आप उसे ड्रैग करके ऐसे रख सकते हो, और कोई भी परिवर्तन भी उसमें आप क्या कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, सपोज करो कि इसमें दोबारा आपको कलर भरना है तो कैसे भरोगे स्टूडेंट्स, आप अपनी लेयर यहाँ पे जाओ, ये जो लेयर है इस पे कंट्रोल को दबा के क्लिक कर दीजिए स्टूडेंट। जैसे ही कंट्रोल को दबा के क्लिक करोगे, आप ध्यान से देखो यहाँ पे दोबारा सिलेक्शन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें जो भी कलर भरना चाहते हो, पेंट वैकेट को उठाओ, यहाँ से कलर को बना लो जिस कलर को आपको यहाँ पे भरना है। सो मुझे अभी ब्लू कलर भरना है, तो मैंने इसको बनाया और बस इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा ऐसे। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, कलर लग गया, कंट्रोल डी बटन को प्रेस करूंगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो हट गया, डी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और फिर से दोबारा इसे अगर मैं मूव भी करना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो क्या कर सकता हूँ, इसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ये ध्यान से देखो। ओके, ये देखिए आप यहाँ पे आपका यही पेज है। तो अभी आप इसे मूव करना चाहते हो तो देखो कहीं भी रख सकते हो, कंट्रोल टी करके आप इसे क्या कर सकते हो, इसको इस तरह से इसकी साइज को इनक्रीज डिक्रीज भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ, ध्यान से देखो अप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में केवल मुझे लेयर के बारे में बतानी थी, सो मैंने अभी अभी आपको लेयर के बारे में बताया। एक न्यू लेयर चाहिए, क्या चाहिए आपको, न्यू लेयर यदि आपको चाहिए तो क्या शॉर्टकट होंगी, यहाँ पे आपका शिफ्ट को दबा के या कंट्रोल को इस तरीके से प्रेस करके क्या दबाओगे, इसके साथ शिफ्ट को दबाओगे और क्या दबा दोगे, यहाँ पे यन को प्रेस करोगे तो क्या बन जाएंगी, आपकी न्यू लेयर क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। सपोज करो कि आप जो कोई भी सेलेक्ट एरिया है उसे डीसेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, किसका डी यहाँ पे, और मैं लिखता हूँ सिलेक्ट यहाँ पे, ठीक है। डी सेलेक्ट की शॉर्टकट क्या हो जाएंगी, कंट्रोल के साथ यदि मैं डी को प्रेस करूँगा स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, कोई भी सेलेक्ट एरिया, कोई भी सेलेक्ट किया गया ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, या कोई भी सेलेक्ट एरिया क्या हो जाएंगी, डी सेलेक्ट हो जाएंगी। कब हो जाएंगी, जब मैं कंट्रोल डी बटन को प्रेस करूँगा तब हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स वीडियो नहीं आई है तो प्लीज़ वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें और फुल वीडियो को देखें स्टूडेंट्स, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। स्टूडेंट्स फोटोशॉप के अकॉर्डिंग यदि आपको कुछ भी समझ में जैसे नहीं आता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया है, मैं दोबारा उसे समझाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल पाए। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।